अभी इस ट्रेड में मेरा रिस्क उतना ही है जितना अभी आप प्रॉफिट देख रहे हो। अभी मूविंग एवरेज एंड सेंट्रल पिवट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सो दैट्स वाई मैं अभी भी बुलिश हूँ। ओके गाइस, अभी देखिए 30,000 आ चुका है, 33 बिग कैंडल, 38। हेलो फ्रेंड्स, स्कल्पिंग सीरीज की डे नंबर 70 में आपका स्वागत है। आज का डेट है मंडे 15 जुलाई, टाइम 9:13 हो चुका है। मार्केट विल ओपन अनदर 2 मिनट्स, लेकिन उससे पहले भी मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे लास्ट 2 दिन का जो कैंडल है, प्रीवियस डे कैंडल देखिए सपोर्ट मिला था और मार्केट यहाँ पे जगह एक ड्रैगन फ्लाइट डोजी बनाया था, लेकिन ये जो कैंडल है ये इसको कहा जाता है ग्रेविस्टोन डोजी। तो यहाँ पे क्या है ना, बॉडी देखिए बिल्कुल सेम प्राइस के आसपास है। तो अगर प्राइस आज के दिन ये जो प्राइस है यानी जो बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर 2 ट्रेडिंग डेज की जो बॉडी है वो उसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो हम बुलिश मान के चलेंगे। यहाँ पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर इसके नीचे अगर आ जाए तो हम यहाँ पे बेयरिश अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अभी अगर हम यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप क्लियरली देख सकते हो ये है VCPR। कल के दिन एक बार भी इसको ब्रीच नहीं किया है, तो ये जो सेंट्रल पिवट है इसको आप मार्क करके रखो और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के तौर पर कामकाज कर सकता है। 52,140 इस लेवल के ऊपर है तो हमको हर रिट्रेस में लॉन्ग करके चलना होगा। इनिशियल टारगेट रहेगा 750 एंड इसके बाद अगर सस्टेन कर जाए तो और 500 पॉइंट मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे आ जाए तो यहां तक रहेगा 750 तक इनिशियल टारगेट रहेगा, तो हम हर रिट्रेस में शॉर्ट करके चलेंगे। तो ये था बेसिकली प्री मार्केट एनालिसिस। तो मैंने अभी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ले चुका हूँ एंट्री एंड इट्स रिस्की। ओके ओके मैं इसको क्लोज। ओके 70, 75, चलो मैं अभी कुछ क्वांटिटी लाइक 45, 91। ओके मैं एग्जिट कर चुका हूँ, स्टिल मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। इसलिए 15 मिनट चार्ट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अगर ये नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मैं लॉन्ग करना चाहूँगा, राइट। तो वैसे ही किया, तो जैसे ही ये सपोर्ट के आसपास आया तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ले चुका हूँ एंट्री। इनिशियली हमने एंजल वन के साथ पोजीशन लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी 65,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, बट बुक नहीं कर पाया एंड फाइनली जाके हम 17,000 लॉस में क्लोज किए हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। अभी अगर देखें तो 60-70,000 के आसपास चल रहा है प्रॉफिट। अभी अगर मैं SL प्लेस करूं तो 368 यहां पे मैं SL प्लेस करना चाहूंगा, 675। मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से इतना टाइम लग गया। ओके अभी देखो यहाँ पे मैं अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊं, ये टुडेज हाई और सेंट्रल पिवट एंड मूविंग एवरेज के अबव आ चुका है, बट दिस इज क्रूशियल रेजिस्टेंस। ये बात आपको हमेशा याद रखना है, 52,600 ठीक है, 550 से लेकर 650 जो 100 पॉइंट है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। एवरी टाइम यहाँ से फॉल हुआ था तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। चलो 85,000 आसपास चल रहा है प्रॉफिट, जस्ट ये हमारा पहला ट्रेड है। गाइस राइट नाउ ओके ऐसे हिट कर चुका है यहाँ पे, अगर देखे तो इस ट्रेड से हमने 61,000 ही बुक कर पाया, हालांकि 97,000 के आसपास चल रहा था उस टाइम हम बुक कर सकते थे, बट कोई नहीं। थोड़ा रिट्रेस लेने दो मार्केट, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है तो फिर से मैं एंट्री लूँगा, यहाँ पे सेकंड ट्रेड इनिशिएट करूँगा। थोड़ा सा यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाए, जिस तरह की कैंडल है इट्स शोइंग बुलिशनेस इन द मार्केट एंड 52,400 के अबव सस्टेन भी कर रहा है, मैं लूंगा एंट्री। मैं अनदर स्ट्राइक को ऐड कर रहा हूँ। रीजन सिंपल है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट की बड़ी कैंडल के थ्रू एंड देन रिट्रेस एंड रिट्रेस में हम ले रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। छोटा सा SL रहेगा यहाँ पे 299 के नीचे अगर आ जाए, 300 के बिलो तो क्लोज कर देंगे। सेवनटीन
एग्जिट करेंगे हम एक बार। ओहो चलो मैंने एग्जिट कर लिया, यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही प्रेस करके रखा था, जैसे ही मैंने माउस से हाथ हटाया और वैसे ही एग्जिट हो गया। कोई नहीं, सॉरी, इसको एग्जिट करते हैं और इस ट्रेड से कोई लॉस ना लेते हुए मैंने एग्जिट कर चुका हूँ। एंड अभी अगर देखे 1900 इस ट्रेड से हमने बनाया 1900 ओनली। एंड अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, जाने दो, रिट्रेस में लूँगा एंट्री में, फिर से ले चुका हूँ। दिस इज स्कल्पिंग, मार्केट होल्ड कर रहा है, देखिए हाई साइड में होल्ड कर रहा है, बट ये भी प्रीवियस डे का एक मेजर ट्रेडिंग जोन था, एक रेजिस्टेंस है 550 to 650, तो इसके लिए थोड़ा सा रिस्क हो रहा है। 22, 24, चलो निकलते हैं एंड एग्जिट कर लिए हैं, बट स्टिल हम बुलिश हैं। थोड़ा सा इंतज़ार, यहाँ पे अगर देखें तो कुल मिला के प्रॉफिट हमारा 83,000 हो चुका है। सो थ्री ट्रेड्स हो चुका है डन, जैसे कि आपको पता है कि स्कैल्पिंग में हम 7 ट्रेड लेते हैं मैक्स टू मैक्स। सो लेट्स सी, मौका मिलते ही हम फिर से इनिशिएट करेंगे। अगेन मैं यहाँ पर फिर से पोजिशंस बनाने जा रहा हूँ, मार्केट होल्ड कर रहा है एंड इस टाइम क्वान्टिटी थोड़ा सा लोअर साइड। अभी इस ट्रेड में मेरा रिस्क उतना ही है जितना अभी आप प्रॉफिट देख रहे हो, अगर ये जीरो हो जाते हैं देन आई क्लोज दिस पोजीशन। मेरे हिसाब से मार्केट हायर साइड, ठीक है, अगर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको मैं दिखाना चाहूँगा मार्केट किस तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे आया, मार्केट सपोर्ट ली, प्रीवियस भी सीपीआर को एक बार भी ब्रीच नहीं किया एंड अभी आप देख सकते हो ये जो बेस बनाया था, बेस बनाने के बाद एक बिग बा कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट एंड अभी मूविंग एवरेज एंड सेंट्रल पिवट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो दैट्स व्हाई मैं अभी भी बुलिश हूँ। ओके गाइस, अभी देखिए 30,000 आ चुका है, 33 बिग कैंडल, 38, चलो 44, 45, अब करते हैं एग्जिट। 135 क्वांटिटी इसको भी कर देते हैं एंड कुल मिला के इस ट्रेड से भी हमने 20,000 के आसपास बुक कर चुके हैं, अगर देखें तो 1,00,000 प्रॉफिट हमारा बन गया है आज के दिन। ओके आई थिंक 5 ट्रेड्स भी हो चुका है डन और आज के दिन अब हम कोई और ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे एंड सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है अभी तक के लिए यहाँ पे क्या 300 के अबव है, ये जो मूविंग एवरेज है ना इसके अबव है, तब तक यहाँ पे बुलिश साइड मार्केट रह सकते हैं। हर रिट्रेस में हम एंट्री ले सकते रिस्क को लिमिट करके, रिस्क हमेशा स्पेसिफाई होना चाहिए, लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इनके हिसाब से अभी भी हम ट्रेड ले सकते हैं इसके ऊपर और अगर मार्केट इसके नीचे आ जाए तो हमको डाउन साइड यानी पुट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना चाहिए, बट इट्स ओके, अभी हम कोई और ट्रेड नहीं लेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में बुक कर चुके हैं। और अगर आपको अकाउंट ओपन करना है लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड आफ्टर अकाउंट ओपन ये जो कोर्सेज है ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आफ्टर अकाउंट ओपन इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।